आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है हेल्थ एंजाइटी का, जिसको इलनेस एंजाइटी भी कहा जाता है या मेडिकल टर्म में हाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। सो वो पर्सन जो हाइपोकॉन्ड्रिया होता है या जिसको हेल्थ एंजाइटी होती है, बहुत से लोगों को होती है वो, बट वो अवेयर नहीं होते कि उनको हेल्थ एंजाइटी है। और इसका सबसे ज़्यादा जो ऑक्यूरेंस है वो उन्हीं लोगों में है जो माइंड बॉडी सिंड्रोम से या जो PMS से या न्यूरोप्लास्टिक सिम्टम से जो जूझते हैं, या जिनका बचपन सेंसिटिव रहा है, अब्यूसिव रहा है, या ट्रॉमा रहा है, फैमिली में कोई सीरियस इलनेस रही है, या जनरल एंजाइटी या डिप्रेशन का डिसऑर्डर उनको है, उनको ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और मैंने खुद और ये कई बार जो माइंड बॉडी सिंड्रोम के सफ़रर हैं, जिनको कुछ पेन्स हैं क्रॉनिक, या जिनको कोई सिम्टम्स हैं क्रॉनिक अदर सिम्टम्स, वो भी इसका शिकार होते हैं अक्सर, क्योंकि हम रूमिनेट करते हैं सिम्टम्स पे, तो हम बार बार रिसर्च करते हैं। इसकी कॉमन सी डेफिनेशन क्या है हेल्थ एंजाइटी की, कि हम एक हार्मलेस या सिंपल से जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं उनको बहुत सीवियर समझ लेते हैं, उनको बहुत सीरियस समझ लेते हैं, जिनका कोई इतना ज़्यादा दे इवन डोंट नीड टू बी एड्रेस्ड, या वो सिंपली ऐसे नॉर्मल बॉडी सेंसेशंस हैं, हम उनको कोई बहुत ही टिपिकल डिजीज़ का सिम्टम मान लेते हैं और बार बार गूगल करते हैं चीज़ों को। हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन जो होते हैं वो कन्विंस हो गए होते हैं कि उनको कोई सीरियस डिसऑर्डर है, और वो उसके लिए मल्टीपल डॉक्टर्स बदलते हैं, कई डॉक्टर्स के पास दिखाते हैं और अलग अलग ओपिनियन देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि या एक पर्टिकुलर डॉक्टर उनको अच्छे से सुन नहीं रहा है। तो दो कैटेगरी में एंजाइटी इलनेस या हेल्थ एंजाइटी के पर्सन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं जो केयर सीकिंग होते हैं, जो सब लोगों से बताते हैं, बार बार रिपीट करते हैं मेरे को ये सिम्टम है, इतने दिनों से है, अलग अलग डॉक्टर से मिलते हैं, अलग अलग ओपिनियन लेते हैं और दवाइयाँ बदलते हैं। और एक होते हैं अवॉइडेंस वाले, जो दिखाते नहीं किसी को, बस अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ सीरियस है। वो दिखाते इसलिए नहीं क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते, कि उनको लगता है कि डॉक्टर उनके सिम्टम को सुन नहीं रहे हैं, वो उनको अटेंशन नहीं दे रहे, तो इनको दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे, मुझे तो बहुत सीवियर बीमारी है, लेकिन ये मेरा विश्वास नहीं करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूँ हेल्थ एंजाइटी के, तो लोग क्या करते हैं, आपको मान लो जो एंजाइटी से वैसे ही सफ़र कर रहा है उसको चेस्ट पेन होना लाजमी है। एंजाइटी के साथ चेस्ट पेन एक रिलेटेड सिम्टम है, बहुत कॉमन सिम्टम है ना, मसल टेंशन की वजह से, या कई बार आपको गैस्ट्रिक की वजह से भी चेस्ट में पेन प्रेशर फील होता है, तो लोगों को लगता है कि उनको तो कोई ब्लॉकेज होगी है, या समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद देयर हार्ट, तो वो ECG के लिए जाएंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, और वो उनको सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, फिर भी वो कन्विंस नहीं होंगे कि नहीं समथिंग इज़ मिसिंग, मेरी बीमारी और एडवांस है जो नॉर्मल टेस्ट में नहीं आ रही है। वो हेडेक को कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि मुझे तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है, क्योंकि गूगल ऐसा कह रहा है, और वो बार बार गूगल पे जाते हैं, सिम्टम्स को ओवर रिसर्च करते हैं बार बार, जैसे कि खुद ही वो अपने जले पे नमक छिड़क रहे होते हैं। वो दे कांट हेल्प देमसेल्फ, और मोर ओवर वी कांट हेल्प अवर सेल्फ इन दिस सिनारियो। तो और केसेस क्या हो सकते हैं, स्टमक में नॉर्मल इंडिजेशन को वो स्टमक कैंसर मान सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारी, जब फटीग होता है आपको, एंजाइटी होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस लगती हैं, ब्लरीनेस होता है और कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको आप और किसी सीरियस अल्जाइमर या फिर ALS पता नहीं कौन कौन सी बीमारी के साथ, आप जो भी सिम्टम गूगल आपके मैच कर रहा है, ये गूगल तो वर्स्ट केस सिनारियो बताता है, आप एक नॉर्मल सा सिम्टम भी डालोगे तो गूगल विल नेवर से कि ये नॉर्मल है होना, गूगल सबसे पहले कौन सी सीरियस बीमारी के साथ ये सिम्टम एसोसिएट हो रहा है, उस सीरियस बीमारी को आपके सामने रिजल्ट में पेश करता है, और फिर आप उससे और फ्रिक आउट होते हो। तो हेल्थ एंजाइटी एक विशियस लूप है, जिसमें आप बार बार उस चक्र में फंसते जाते हैं, रिसर्च करते जाते हैं और खुद ही सेल्फ डायग्नोसिस करते जाते हैं। मेरा ये भी मानना है कि एक बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी या बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना भी आपके लिए एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, जो लोग ज़्यादा परवाह नहीं मानते, इनको पता ही नहीं सिम्टम्स का, जो डॉक्टर के द्वारा दी गई गैस की दवाई को भी ये समझ के खाते हैं कि उनके सिम्टम्स के लिए दी गई है, वो ठीक हो जाते हैं। बॉडी इज़ अ ब्रिलियंट मशीन, वो छोटी मोटी दिक्कत को अपने आप ठीक कर लेती है। ड्रग तो आपको जस्ट आपके अंदर जो इनर मैकेनिक है उसको थोड़ा नर्ज सपोर्ट देने के लिए होते हैं, बट जो लोग बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो नॉर्मल चीज़ों को सीरियस उससे एसोसिएट करते हैं, उससे और फियर आता है, और फियर से वो सिम्टम और एग्रावेट होते हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या सीरियसली रॉन्ग है आपके साथ, और आप दवाइयाँ भी डॉक्टर ने आपको दी हैं, मान लो डॉक्टर आप अब हमसे ज़्यादा मेडिसिन उन्हें पड़ी, वो अपनी तरफ से ठीक दवाइयाँ दे रहे हैं, बट आप फिर उन दवाइयों पर रिसर्च करो, ये दवाई, अरे ये दवाई तो जस्ट नॉर्मल पेन के लिए है या मसल क्रैम्प के लिए है, ये तो जस्ट इंडाइजेशन के लिए दी हुई है, तो मेरा सिम्टम तो बहुत सीवियर है, इससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपने पहले ही अपनी बॉडी को इनपुट दे दी, तो अब वो दवाइयाँ आपको क्या असर करेंगी। तो यहाँ पे भी हमने दोबारा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, तो ये लूप चलता रहता है। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं, इस डॉक्टर ने तो मेरे को ऐसे ही भेज दिया नॉर्मल सी मेडिसिन लेके। हेल्थ एंजाइटी के पीछे का रूट कॉज मैंने आपको बता ही दिए, है ना, चाइल्डहुड होते अडल्ट या टीनेज में आने के बाद स्टार्ट है आपको, क्योंकि बच्चे तो वैसे इतना परवाह नहीं मारते, बट उसका जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है वो आप बचपन में इकट्ठे कर लेते हैं हेल्थ एंजाइटी के, जैसे ट्रॉमा, फैमिली में कोई सीरियस इलनेस, अब्यूज़ हुआ है आपका, या फिर
आप सेंसिटिव हो, इंट्रोवर्ट हो, या बाद में आपको एनजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी है, तो उससे भी ये चीज़ें होने की संभावनाएं रहती हैं। और इसका ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये हमारे माइंड बॉडी सिंड्रोम या PMS के साथ बहुत रिलेट करता है। क्योंकि क्रॉनिक पेन जब हमें हो गई होती है तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं जो भी क्रॉनिक पेन है या सिम्टम्स है, फिर आप बार बार रोज़ गूगल पे नई सिम्टम्स, नई बीमारी के साथ उसको रिलेट करते कि हो सकता है मुझे ये नहीं, मुझे वो है, मुझे अब ये भी नहीं है तो अब शायद वो है, इसका टेस्ट हो गया है तो अब हो सकता है ये सिम्टम किसी और में आता है तो मुझे क्या पता वो हो। तो ये हमारा जो क्वेस्ट है एक आंसर पे पहुंचने का वो चला रहता है और हम अपने ऊपर बर्डन डालते हैं, अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर बर्डन डालते चले जाते हैं, अपने ऑलरेडी स्केयर्ड फाइट और फ्लाइट मोड में अपनी बॉडी जो ब्रेन है उसको और ज़्यादा एनहांस करते चले जाते हैं। जैसे आपको बैक पेन है, नेक पेन है, टिनिटस है, हेडेक्स है, माइग्रेन्स है, तो आप वर्स्ट सोचते हो और गूगल आप और डराता है, फिर आप उससे और डरते हो, आपके सिम्टम्स, आपकी स्टिफनेस, आपकी पेन और बढ़ती है, आपको डिसेबिलिटी का खतरा बताया जाता है, आपको व्हीलचेयर का खतरा दिखाया जाता है, आपको बहुत सारे डर दिए जाते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग सिम्टम्स के डर दिए जाते हैं कि हाँ ये तो जस्ट मैनेज किया जा सकते हैं आपके सिम्टम्स, और उससे होता क्या होता, कुछ नहीं है, होता ये है कि आपका फियर फिर अबव द रूफ होता है, है ना, और आपके सिम्टम्स और एम्पलीफाई होते हैं। फियर इज़ द एम्पलीफायर ऑफ द ऑल द सिम्टम्स इन योर बॉडी। डर जो है, डर कैसे निकलता है, मैसेज ऑफ सेफ्टी से, एजुकेशन से, माइंड बॉडी सिंड्रोम कुछ समझने की जो आपकी कैपेबिलिटी, उसको जितना बढ़ाएंगे आप, जितना एजुकेशन लेंगे, जितना अवेयरनेस देंगे, माइंड का बॉडी के साथ क्या क्या कनेक्शन है, माइंड कैसे आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, और माइंड क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, और मैं तो ये बोलता हूँ क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स। मैंने बहुत साल पहले मैं भी इस दौर से गुजरा और अब दोबारा कुछ रिकरेंस हुए तो मुझे लगा ये वीडियो ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए। तो मैंने भी टीनेज में चेस्ट पेन से स्ट्रगल किया था, तो मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए थे, काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड रहा, मैंने भी ECG टेस्ट करवाया, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, खुद बोलता था मैं कि इससे एडवांस भी कोई टेस्ट होता है, और उन्होंने फिर फाइनली डायग्नोस किया, तो मुझे कुछ टाइम सेकेट्री की जो एंटी डिप्रेसेंट है वो भी लिए, तो उससे मुझे जब पहली बार रिलीफ मिला था तब मेरा ये रियलाइजेशन था कि ब्रेन हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर सिम्टम्स। बट फास्ट फॉरवर्ड 10-12 ईयर्स, कुछ दिन पहले फिर से कुछ सिम्टम्स दोबारा चेस्ट पेन के प्रोड्यूस हुए, क्योंकि कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं लाइफ में, कुछ दिक्कतें जो हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम जब प्रेशर में होता है तो हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, हमारा ध्यान उन चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए, और जब आप पेन में होते हैं तो पेन एक्चुअली जो किडनी स्टोन का पेन था उससे थोड़ा डिस्टर्ब था मैं, और उसके लिए डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट करी थी, तो उससे भी थोड़ा अपफीबल होता है लाइफ में। फाइनली वो स्टोन नेचुरली पास हो गया, अभी भी कुछ बचे हुए हैं छोटे स्टोन्स, तो उससे प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर थोड़ा, तो वही था कि कुछ सडनली दोबारा से एक दो दिन डिस्टर्ब रहा, चेस्ट टाइटनेस, पेन, उससे फिर घबराहट, ये सब सिम्टम्स जब आते हैं तो फिर से हम उसी नेगेटिव ट्रैक पे चले जाते हैं, फिर से हम गूगल करते हैं। और भी मतलब इन दिनों में मैंने खुद पाया कि मैं हेल्थ एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ जानबूझ के, तो फिर मैंने सोचा कि क्या कर रहा हूँ, थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की अपने अंदर, और लकीली आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। सो बहुत से लोग हैं जो अकेले हैं, बहुत से सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, अजीब और गरीब, और उनको लग रहा है कि नहीं उनकी बॉडी में तो पता नहीं क्या कौन सी बड़ी दिक्कतें आ गई हैं, बट उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हेल्थ एंजाइटी के टॉपिक को एक्सप्लोर करें, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानें, आप क्या कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले आदमी हैं, ज़्यादा चिंतित रहने वाले छोटी छोटी बातों पर, या सेंसिटिव आपकी पर्सनैलिटी है, तो चांसेस हैं कि आपको बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ हेल्थ एंजाइटी और आपके सिम्टम्स उसी से एग्रावेट हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस वो रिसर्च छोड़नी होगी और थोड़ा सा फेथ रख के, पॉजिटिविटी के साथ एक डीप ब्रेथ लेके पॉजिटिविटी पे फोकस करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है अपने माइंड को कि माइंड कैसे आपको मैनिपुलेट करता है अपने सर्वाइवल के लिए, आपके खुद के सर्वाइवल के लिए, और उससे आपको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है ब्रेन की टैक्टिक्स को। सो आज की वीडियो में इतनी ही बात करूँगा, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।